अयोध्या में राम मंदिर भगवान राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। 22 जनवरी 2024 को होने वाले इस कार्यक्रम को लेकर देश के लोगों का जोश हाई है। इसके साथ ही बिजनेस सेक्टर में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी बीच कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडियन ट्रेडर्स यानी कैट ने अनुमान लगाते हुए कहा है कि जनवरी महीने में देश भर में लगभग 50,000 करोड़ से ज्यादा का कारोबार होगा। कैट की ओर से 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कहा गया है कि इस खास दिन के लिए कारोबारियों ने भी कमर कस ली है और व्यापारिक स्तर पर भी तैयारियां तेज हो गई हैं। कैट के जनरल सेक्रेटरी प्रवीण खंडेलवाल ने कहा है कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो उत्साह देश भर के लोगों में दिख रहा है उसमें व्यापार के बड़े अवसर दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जनवरी के महीने में 50,000 करोड़ से अधिक का कारोबार होगा। प्रवीण खंडेलवाल ने कहा है कि प्राण प्रतिष्ठा का दिन ऐतिहासिक होने वाला है। राम मंदिर से जुड़े प्रोडक्ट्स की बंपर बिक्री को लेकर सभी राज्यों में व्यापारियों ने इस अतिरिक्त व्यापार की मांग को पूरा करने के लिए व्यापक तैयारियां की हैं। उन्होंने कहा कि इससे साबित होता है कि भारत में सनातन अर्थव्यवस्था की जड़ें बहुत गहरी हैं। कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भारतीय और प्रवीण खंडेलवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हर साल 22 जनवरी को राम राज्य दिवस के रूप में घोषित करने की मांग की है। जैसे जैसे अयोध्या में बनाए जा रहे राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तारीखें नजदीक आती जा रही हैं, देश भर के बाजारों में भगवान श्री राम से जुड़ी चीजों की डिमांड बढ़ रही है। प्रवीण खंडेलवाल ने बताया कि देश के सभी बाजारों में बड़ी मात्रा में श्री राम ध्वजा, श्री राम के चित्र और मालाएं, भगवान श्री राम वाले लॉकेट, चाबी के छल्ले, राम दरबार की फोटोज, राम मंदिर मॉडल की तस्वीरें समेत अन्य संबंधित सामान उपलब्ध होने लगे हैं। उन्होंने बताया कि राम मंदिर के मॉडल की खासी डिमांड देखने को मिल रही है। कैट के मुताबिक राम मंदिर को लेकर उत्साह के बीच भगवान श्री राम से जुड़े सामानों की डिमांड के चलते रोजगार के अवसरों में भी इजाफा हो रहा है। जैसे कि राम मंदिर के मॉडल को बनाने में बड़ी संख्या में महिलाओं को रोजगार मिल रहा है, तो राज्यों में स्थानीय कारीगरों, कलाकारों और हाथ से नकाशी करने वालों को भी काम मिल रहा है। राम मंदिर के जरिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होने की बात करते हुए प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि सिर्फ इन मॉडलों से ही नहीं बल्कि कुर्ते, टी शर्ट और अन्य वस्त्रों की मांग के कारण कपड़ों के व्यापारियों को भी अवसर मिल रहा है। तो मिट्टी के दिए, रंगोली बनाने के लिए रंग, फूलों की सजावट और सजावटी लाइटें जैसे अन्य सेक्टर में भी व्यापार बढ़ने की संभावना है।